डबल धमाका, डबल हमला, हमास का खुफिया युद्ध। हमास के 45,000 लड़ाकों में से कितने सुरंग के अंदर और कितने जमीन के ऊपर से इजरायली सेना पर हमला कर रहे हैं, इसे लेकर ना तो अभी तक मोसाद कोई खुलासा कर पाया है और ना ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी को कोई भनक लग पाई है। लेकिन मिडिल ईस्ट की मीडिया से जुड़े जानकारों के मुताबिक हमास इजरायली सेना पर वैसे भीषण हमले नहीं कर रहा है जैसे उसे करने चाहिए थे। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि भले ही इजरायली सेना दावा करे कि वो गाजा सिटी के बीचों बीच पहुंच चुकी है, लेकिन हकीकत में इस दावे पर पश्चिमी मीडिया के वॉर एक्सपर्ट्स अब सवाल उठाने लगे हैं। इसराइल के 34 से ज्यादा सैनिक जमीनी हमले के दौरान मारे जा चुके हैं। हम आपको पश्चिमी मीडिया के दावों के हवाले से बताने जा रहे हैं कि इसराइल सेना पर डबल धमाके के साथ डबल हमले की तैयारी हमास ने हिजबुल्ला से मिलकर कर ली है। इसराइल की वर्दी में हमास के लड़ाके, लगता है इस बार इजरायली सेना, इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और बिना श्वेत हमास की ताकत और वॉर प्लेन को समझने में बुरी तरह से फेल हुए हैं। 27 अक्टूबर से शुरू हुए दूसरे चरण के इजरायली हमले में दावा किया जा रहा था कि इजरायली सेना एक हफ्ते के अंदर उत्तरी गाजा से हमास के लड़ाकों का सफाया कर देगी, लेकिन अभी तक इजरायली सेना सिर्फ 400 के करीब सुरंगों को तबाह कर पाई है। इधर हमास ने फिर दावा किया है कि उसके लड़ाके इजरायली सेना को उत्तरी गाजा में हरा देंगे। आखिर हमास इतने बड़े दावे कैसे कर रहा है? कुछ खबरों में यहां तक दावा किया गया है कि हमास के लड़ाके इजरायली सेना की वर्दी पहनकर हमले कर रहे हैं। हमास सेना के शाखा अल कसम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि उत्तरी गाजा में इजरायली सेना उनके टैंक, उनके बख्तरबंद लड़ाकों वाहनों, यहां तक कि बुलडोजर पर भी हमास लड़ाके बेहद बेरहम और घातक हमले कर रहे हैं। जरा आप हमास की तरफ से जारी किए गए इस 2 मिनट 44 सेकंड के वीडियो की एक तस्वीर को देखिए जिसमें 50% तक तबाह हो चुके गाजा में हमास के लड़ाके चारों तरफ से हमले कर रहे हैं। डबल धमाका, डबल हमला, हमास का खुफिया युद्ध। हमास के अल कसम ब्रिगेड के लड़ाके आरपीजी, थर्मोबेरिक ग्रेनेड, रॉकेट से इजरायली सेना पर बेहद पास से हमले कर रहे हैं। इजरायली टैंकों पर महज 100 से 150 मीटर दूरी से एंटी टैंक मिसाइलें और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि हमास की अल कसम ब्रिगेड अमेरिकी और रूसी हथियारों से इजरायली सेना पर हमला कर रही है। हमास के पास जो घातक राइफलें हैं उन्हें देखकर ही लग जाता है कि या तो अमेरिकी हैं या फिर रूसी। इस वीडियो में दिखाया गया है कि हमास के लड़ाके अचानक तबाह इमारतों से बाहर निकलकर आरपीजी फायर कर रहे हैं या फिर टैंकों पर सीधे रॉकेटों से हमले कर रहे हैं।
जबकि जमीन पर इजरायली सेना का एक भी पैदल सैनिक नहीं दिख रहा है। इजरायली सेना पूरी तरह से या टैंक के अंदर है या फिर किसी वख्तरबंद वाहन के अंदर से हमास के लड़ाकों से जंग कर रही है। हमास के इस खुफिया युद्ध ने इजरायली सेना के पसीने छुटा दिए हैं। खुद इजरायल के रक्षा मंत्री तक मानने को मजबूर हैं कि उन्हें बेहद क्रूर और शातिर लड़ाकों से जंग करनी पड़ रही है। הגדול ביותר שבנה האדם אי פעם. כל העיר הזו היא בסיס טרור אחד גדול. מתחת לקרקע קילומטרים של מנהרות. הן מתחברות אל בתי חולים, אל בתי ספר. הן מחוברות ביניהם. יש בתוכם חדרי קשר, מחסני תחמושת, מקומות לינה, והכל על מנת לשמש בסיס של טרור שממנו ניתן לפגוע. इसराइल के लिए विनाशक हिजबुल्ला का हमला, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरल्ला ने दावा किया है कि इजरायली सेना के लिए गाजा युद्ध विनाशकारी साबित होने जा रहा है। हिजबुल्ला के 60,000 से ज्यादा लड़ाके हमास के 40,000 लड़ाकों के साथ इजरायली सेना पर दूसरे राउंड का विनाशकारी हमला करने जा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने भी माना है कि हिजबुल्ला की रॉकेट और मिसाइल ताकत इजराइल के लिए विनाशकारी साबित होगी। हालांकि इजरायली सेना पूरे जोश के साथ दावा कर रही है कि उसने उत्तरी गाजा में 10 घंटे की भीषण जंग में पिछले 24 घंटे के अंदर हमास के बहुत बड़े गढ़ पर कब्जा कर लिया है। इसराइल की IDF ने दावा किया है कि महज 10 घंटे की लड़ाई के बाद हमास का प्रमुख गढ़ पर कब्जा कर लिया गया है। इजरायली सेना का कहना है कि 10 घंटे की भीषण जंग में हमास के दर्जनों लड़ाके मारे गए हैं। IDF की मुख्य पैदल सेना इकाइयों में से एक नाहल ब्रिगेड के सैनिकों ने उत्तरी गाजा के पश्चिम में जवालिया पर भीषण हमला किया है। जवालिया में आउटपोस्ट 17 पर IDF ने हमास लड़ाकों को मारकर कब्जा कर लिया है। IDF ने खुलासा किया है कि हमास के लड़ाके जमीन के ऊपर और भूमिगत मार्ग से हमले कर रहे हैं। ISA और IDF की खुफिया जानकारी के आधार पर एक IDF फाइटर जेट ने सेंट्रल कैंप ब्रिगेड में हमास के एंटी टैंक मिसाइल यूनिट के प्रमुख इब्राहिम अबू मगसीब को मार डाला है। IDF के मुताबिक अबू मगसीब के मारे जाने से पहले इजरायली सेना और IDF सैनिकों पर कई एंटी टैंक मिसाइल से हमले करने जा रहा था। इससे पहले हमास के एंटी टैंक मिसाइल के कमांडर मोहम्मद असर को IDF ने मार डाला था। IDF ने कई तस्वीरें जारी की हैं जिसमें दावा किया गया है कि नॉर्थ गाजा में हमले बेहद तेज कर दिए गए हैं। इजरायली सेना ने यह भी दावा किया है कि हमास के करीब 60 कमांडरों को अब तक मार दिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा में हमास के चीफ आया सिनवार को उसके बंकर में अलग थलग कर दिया है। वो बंकर के बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कट चुका है। इधर इजरायल के युद्ध कैबिनेट के मंत्री रॉन डर्मर ने दावा किया है कि 30 दिन से ज्यादा की जंग में 3,000 से 4,000 से ज्यादा हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। उत्तरी गाजा का 50% इलाका पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फिलिस्तीनी और हमास समर्थकों के बीच कोहराम मचा हुआ है। وقصف وعنا وعنا بتجربه معاقه احنا طلعنا من بيتنا لانه ما فيش المنطقه كلها اخلى فيش طلعنا على المدارس المدارس مش امنه برضه يعني لا في عنا اكل ولا في عنا ولا يعني موت ميه ما فيش نشرب ميه ما فيش يشرب اولادنا بعدين ضربوا المخابز ضربوا 30 दिन की जंग के बाद पता चला कि उत्तरी गाजा से 70% फिलिस्तीनी और हमास समर्थक हार चुके हैं। उत्तरी गाजा से दक्षिण गाजा के बीच 14 किलोमीटर का फासला है। दक्षिणी गाजा में लगभग उत्तरी गाजा से 7 से 8 लाख लोग पहुंच चुके हैं, जबकि उत्तरी गाजा में फंसे 1.5 से 2 लाख लोगों को हमास के लड़ाकों ने मानव ढाल बना रखा है। हथियारों के साथ हमास के लड़ाकों के लड़ने की क्षमता साफ दिखा रही है कि जंग अभी खत्म नहीं होगी, बल्कि अभी जंग में बहुत से खिलाड़ी खून की होली खेलने का प्लान बना रहे हैं।
अब देखना होगा हमास और हिजबुल्ला जब दो तरफ से डबल अटैक इसराइल पर करेंगे तब कैसे इजरायली सेना हमास और हिजबुल्ला का सामना करेगी।